हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवान जगन्नाथ जी दयालु हैं या नहीं? अत्यंत दयालु हैं। प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा उत्सव को बड़ा महत्व दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे अपने भक्तों को आदेश दिया था, घर घर जाओ प्रचार करो, पर रथ यात्रा के समय उनके सारे भक्त वापस लौटते थे। तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था मिश्रा, अर्जुन मिश्रा। अर्जुन मिश्रा सारा दिन गीता पढ़ते रहता था। उसका जो काम था, उसका धंधा था, वो पांडा था। तीन बच्चे थे उसे, और पांडागिरी करके घर को संभालता था। एक समय जगन्नाथपुरी में बड़ी तेज से बारिश बरसने लगी एक हफ्ते के लिए, और गीता पांडा बाहर जा नहीं सका भीख मांगने के लिए। वो तो खुश था क्योंकि बारिश आ रही थी तेजी के साथ, तो बाहर जा नहीं पाया, तो वो सारा दिन गीता पढ़ रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, हे अर्जुन, तुम बाहर नहीं जाओगे तो हमारे लिए कौन कमाएगा? अर्जुन मिश्रा गीता क्योंकि वो सारा दिन गीता पढ़ते रहता था, अर्जुन मिश्रा का नाम बन गया था गीता पांडा। गीता पांडा ने कहा, भगवान जगन्नाथ जी हमारी देखभाल करेंगे, घबराओ मत। और भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का उच्चारण किया, अनन्याश चिंते अंतमाम, जिसमें भगवान कहते हैं, जो मेरे इतना आध्यात्मिक रूप की पूजा करता है, उसमें कुछ कमी भी हो उसे मैं दूर कर देता हूँ। पर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था, भगवान जगन्नाथ क्या करेंगे। उसने अपने नाखून से उस श्लोक को काट दिया। एक दिन रात दो बड़े खूबसूरत भाई आए, एक था काला एक था गोरा। उन्होंने अर्जुन मिश्रा सो रहा था घर में। उन्होंने कहा, हम अर्जुन मिश्रा के दोस्त हैं, हमें बड़ा भंडारा लाए हैं तुम्हारे लिए, और खाने की सारी वस्तुएं उन्होंने दे दी। किसको? गीता पांडा की पत्नी को। गीता पांडा की पत्नी ने कहा, आओ कुछ खाओ प्रसाद। उन्होंने कहा, हमारी जीभ तीन जगह कटी हुई है तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि गीता पांडा की पत्नी ने तीन जगह वो श्लोक को काटा था। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। घर में लगभग कुछ नहीं था खाने के लिए। जब भी वो पति को कहती थी, जाओ पैसा कमाओ, पति कहता था, चिंता मत करो, जगन्नाथ जी देखभाल करेंगे। जब सुबह गीता पांडा उठा तो उसकी पत्नी ने कहा, कल दो बहुत खूबसूरत भाई आए थे, इतने खूबसूरत लड़के मैंने कभी देखे नहीं। उन्होंने ये पूरा भंडारा दे दिया और कहा, वो तुम्हारे मित्र हैं, ये ले लो। गीता पांडा एकदम समझ गए, ये दो भाई कौन थे? कृष्ण और जगन्नाथ और बलराम। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है अत्यंत दयालु हैं, भक्तों की सुरक्षा करते हैं। एक राजा था उड़ीसा का, जिसका नाम था महाराज पुरुषोत्तम। महाराज पुरुषोत्तम महाराज प्रतापुद्रा के पिता थे, और एक समय वो राज्य कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो एक राज्य में पहुंचे जिसका नाम है कांचीपुरम। कांची के राजा से उनका परिचय हुआ। कांची के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। कांची के राजा ने देखा राजा पुरुषोत्तम बड़ा ही खूबसूरत युवक है, तो उन्होंने कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लेना। पुरुषोत्तम राजा ने स्वीकार कर लिया, और महाराज पुरुषोत्तम वापस लौटे रथ यात्रा की तैयारी के लिए, क्योंकि ये रिवाज है, क्योंकि खास करके प्राचीन समय में रथ यात्रा की तैयारी में
राजा बड़े उत्साह से जुड़ते थे। तो महाराज पुरुषोत्तम ने कहा मुझे जाकर रथ यात्रा की तैयारी करनी है। और उसने कांची के राजा को निमंत्रण दिया, आइए रथ यात्रा के लिए। कांची का राजा तो आ नहीं सका, पर उसने अपने मंत्री को भेजा प्रतिनिधि के रूप में। मंत्री ने देखा कि महाराज पुरुषोत्तम रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रास्ते को झाड़ू दे रहे हैं, गंद इकट्ठा कर रहे हैं। उस मंत्री ने सोचा ये तो भंगी है, ये राजा थोड़ी है, ये तो सड़क साफ कर रहा है, कचरा उठा रहा है, झाड़ू दे रहा है। मैं मेरे राजा की बेटी को छंडाला से शादी करने नहीं दूंगा। तो इसने लौट कर कांची के राजा को कहा ये महाराज पुरुषोत्तम ये तो भंगी हैं, मैंने अपने आंखों से देखा, वो सड़क साफ कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, ये तो भंगी का काम है। तो कांची के राजा ने रिश्ता तोड़ दिया, मैं अपनी बेटी को एक भंगी के पास नहीं दूंगा। महाराज पुरुषोत्तम को बड़ा क्रोध आया जब उन्हें ये सूचना मिली किस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ा। तो महाराज पुरुषोत्तम ने कहा युद्ध होगा महाराज कांची के राजा के साथ। कांची के राजा थे गणेश के भक्त और महाराज पुरुषोत्तम थे किसके भक्त? जगन्नाथ जी के भक्त। ये निर्णय हुआ था युद्ध से पहले कि अगर कांची का राजा जीतेगा तो गणेश जी की मूर्ति आगे होगी और जगन्नाथ सुभद्रा बलराम के उनके पीछे, और अगर कांची का महाराज पुरुषोत्तम जीत गए तो आगे किसकी मूर्ति रहेगी? जगन्नाथ सुभद्रा बलराम और पीछे गणेश जी। तो पहली बार जब महाराज पुरुषोत्तम गए युद्ध करने के लिए उनके कैंप में आग लग गई और उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आ गए, बड़े दुखी थे कि मैं हार गया, बड़े दुखी थे। फिर भगवान ने उन्हें कहा, जगन्नाथ जी ने कहा घबराओ मत, मैं और मेरे भाई तुम्हारे लिए फिर से लड़ेंगे, जाओ फिर से युद्ध करने के लिए। तो शुभ अवसर पर महाराज पुरुषोत्तम फिर से लड़े, फिर से गए लड़ने के लिए। पर वो दिमाग में यही सोच रहे थे जगन्नाथ और बलराम कैसे आके लड़ेंगे मेरे लिए, ये क्या संभव है, कैसे संभव होगा, ये सोच रहे थे। तो महाराज पुरुषोत्तम की सेना के आगे दो भाई, एक घोड़ा एक काला, दो घोड़ों में जा रहे थे आगे। महाराज पुरुषोत्तम को पता नहीं था, महाराज पुरुषोत्तम यही चिंता कर रहे थे कैसे कृष्ण जगन्नाथ बलराम लड़ेंगे मेरे लिए। और आगे जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वहाँ एक औरत थी जिसका नाम था मनिका। मनिका लस्सी बेच रही थी, और जगन्नाथ बलराम को इतनी प्यास लग रही थी उसकी सारी लस्सी का मटका उन्होंने खाली कर दिया। फिर उस औरत ने कहा पैसा पैसा, मैं ये लस्सी को बेचने से अपने घर की देखभाल करती हूँ। दो भाइयों ने कहा पैसा तो हमारे पास नहीं है, पर महाराज पुरुषोत्तम आ रहे हैं तो उनसे उनको कह देना उनके दो सिपाहियों को, दो सिपाहियों को आपने लस्सी पिलाई। पर उस औरत मनिका ने कहा वो कैसे विश्वास करेंगे, कुछ प्रमाण होना चाहिए मेरे पास कि मैंने तुम्हें लस्सी दी पीने को। जगन्नाथ जी ने अपने हाथ की मुंडी निकाल कर उसे दे दिया और कहा
ये है निशाना कि हमने लस्सी पी है तुम्हारी। थोड़ी देर बाद महाराज पुरुषोत्तम अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। मनिका ने देखा महाराज पुरुषोत्तम वाले, रोको 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 रोको, रुक गए। मनिका ने कहा, आपके दो सिपाही आए थे, उन्होंने मेरी सारी लस्सी पी ली। मैं रोने लगी क्योंकि लस्सी बेचने से मेरे घर चलता है, तो सारी लस्सी। राजा ने कहा, क्या प्रमाण है माता जी कि मैं वो मेरे सिपाही थे, कोई प्रमाण है? तो मनिका ने क्या, वो मुंदरी बता दी जो जगन्नाथ जी ने दिया था प्रमाण के रूप में। तो जब भगवान पुरुषोत्तम ने वो मुंदरी देखी, इतने खुश हुए क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, क्या ये जगन्नाथ जी की मुंदरी है, वही मुंदरी है जो कि जगन्नाथ जी मंदिर में पहनते हैं। तो उन्होंने उनको 9 गांव दे दिए। वो इतने खुश हुए कि मनिका ने सेवा की। और फिर महाराज पुरुषोत्तम आगे बढ़े, युद्ध हुआ महाराज पुरुषोत्तम और किसका किसका, कांची के राजा का। कांची के राजा की सेनापतियों ने देखा, 2 नए सेनापति वो लड़ रहे हैं महाराज पुरुषोत्तम की तरफ से, इतनी तेजी से धनुष चला रहे हैं कि उन्हें लगा कि वो तो हार जाएंगे, और उन्होंने इतने खूबसूरत सेनापति कभी देखे भी नहीं थे। अंत में किसकी विजय हुई? महाराज पुरुषोत्तम की। महाराज पुरुषोत्तम की विजय क्यों हुई? क्योंकि जगन्नाथ और बलराम लड़े उनके तरफ से। तो फिर पद्मावती को गिरफ्तार करके महाराज पुरुषोत्तम उसे वापस ले आए और एक मंत्री के पास रखा। अपने प्रधानमंत्री को कहा, कोई अच्छे चंडला, कोई अच्छे ये नौकर से इसका विवाह कर दो। तो रथ यात्रा के दिन मंत्री जी गए राजा के पास और कहा, आपने कहा था खूबसूरत भंगी के साथ इसके अब विवाह कर दूं, मैंने वो भंगी ढूंढ लिया है। महाराज पुरुषोत्तम ने कहा, मैं अभी रथ यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलो मत। पर मंत्री ने कहा, वो भंगी भंगी है, आप जानते हो भंगी कौन है? बोला, नहीं। आप फिर उनका विवाह करा दिया। किसके साथ? महाराज पुरुषोत्तम के साथ। तो यही महाराज पुरुषोत्तम के एक बेटे थे जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र पिता जैसे रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रास्ते को धोते थे और साफ करते थे। महाराज प्रताप रुद्र ने अत्यंत प्रयास किया था चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए, पर महाप्रभु इनकार करते गए। पर रथ यात्रा के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडलियों को जोड़ते थे, आगे पीछे बाएं दाएं। और चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीला पकड़ करते थे। भगवान कहते हैं गीता में, जन्मा कर्म चा में देवियम, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना ना दोनों क्या है? देवियम। तो जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपना विस्तार किया और 8 की 8 कीर्तन मंडली में वो उपस्थित थे, नाच रहे थे। और ये दिव्य लक्षण दर्शन केवल उनके शुद्ध भक्तों को प्राप्त हुआ, जिनमें से एक थे महाराज प्रताप रुद्र। क्यों? चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि राजा है, पर राजा होते हुए
इतनी विनम्रता से तुझ सेवा कर रहा है। क्या थी तुझ सेवा? सड़क को झाड़ू देना, फिर सड़क को धोना पानी, गुलाब के पानी के साथ, क्योंकि उस सड़क में भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलने वाला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तिन्हादपि सुनि चेला तरोरपि साहिना, अमानी न मना लेना कि तिन्हादी सदा हरी। अगर तुम सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो ये विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, राधा राज बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, गोनेताय, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, इन इस विग्रह और भगवान में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये लकड़ी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित नहीं। भगवान आर्च्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हमें मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। तो हम जब भगवान के सामने आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और वो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु है, कि वो प्रकट हुए हैं जगन्नाथ जी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, हम बस जीवों को सेवा का मौका देने के लिए। हम ब्राह्मण दीक्षित हैं तो भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और दीक्षित नहीं है या हरिनाम दीक्षा हो तो भगवान की खुशी के लिए कीर्तन कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, पर श्रद्धा और आदर के साथ भगवान के आर्च्य विग्रह की पूजा करो। तो आप सब से हम निवेदन यही करना चाहते हैं, आप सब भक्ति में जुड़े हो, इसका कृपा करके लाभ उठाइए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, गीता भागवतम को पढ़िए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, साधु संग में रहिए। भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, कमल का फूल जल में है पर जल को छूता नहीं। इसी प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के दोषों से हमें बचना है, और ये संभव है अगर हरि नाम लो। तो आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है हरि नाम के उच्चारण से। आप सबसे निवेदन है, हरि नाम का जाप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलिए सब, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.